पिछले काफी समय से शक्तिमान पर फिल्म बनाने की बात चल रही है। सोनी ने एक टीजर भी रिलीज कर दिया था क्योंकि वही स्टूडियो इस फिल्म पर पैसा लगाने वाला था। फिर ऐसी खबरें आई कि इसमें रणवीर सिंह लीड रोल कर सकते हैं, मगर इसमें से फाइनल कुछ भी नहीं हो सका है। अब इस बारे में शक्तिमान के रचयिता मुकेश खन्ना ने बात की है। मुकेश का कहना है, ये बहुत बड़ी फिल्म है, बड़े बजट पर बनने वाली है, इसलिए टाइम लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुकेश खन्ना के बिना शक्तिमान नहीं बनेगी। शक्तिमान को इंडिया का पहला ऑफिशियल सुपर हीरो माना जाता है। ये कैरेक्टर मुकेश खन्ना के दिमाग की ही उपज था। 1997 में शक्तिमान नाम का शो बना, 8 साल तक टीवी पर चला, बच्चे बूढ़े सब पसंद करते थे। इसमें मुकेश ही शक्तिमान बनते थे। अब मुकेश ने इस किरदार पर फिल्म बनाने में हो रही देरी पर बात की है। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है भीष्म इंटरनेशनल, इसी के जरिए वो अपने चाहने वालों से जुड़ते हैं। मुकेश ने शक्तिमान पर बात करते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, ये बहुत बड़े लेवल की फिल्म है। एक फिल्म को बनाने में 200 से 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये फिल्म सोनी पिक्चर्स बना रही है, जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाई थी, मगर इसमें देर होती जा रही है। पहले पैंडेमिक था, मैंने अपने चैनल पर भी अनाउंस किया था कि ये फिल्म बन रही है, मगर ऐसा हो नहीं पाया। मैं हाल ही में किसी को बता रहा था कि ये छोटी पिक्चर नहीं है, ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें टाइम लगेगा। मुकेश का कहना है कि वो इस फिल्म से जुड़े मसलों पर ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इसकी इजाजत नहीं है। वो कहते हैं बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मगर उसके बारे में बात करने की मनाही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शक्तिमान बनेगा कौन, कौन ये रोल करेगा, मैं वो नहीं बता सकता। ये एक कमर्शियल फिल्म है, इससे लगातार उस हिस्से को लेकर बातचीत जारी है, मगर मैं रहूंगा, मेरे बगैर तो शक्तिमान नहीं बन सकती, ये सबको पता है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि शक्तिमान के गेटअप में मैं नहीं नजर आऊंगा, मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि किसी तरह की तुलना हो। मगर फिल्म आ रही है, बहुत जल्द फाइनल अनाउंसमेंट होने वाली है, तभी आपको पता चलेगा कि उसमें कौन है और कौन डायरेक्ट कर रहा है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है क्योंकि ये फिल्म उस काबिल है। मुकेश खन्ना को बात करने की परमिशन नहीं है, मगर खबर है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए बासिल जोसेफ को चुना है, जिन्होंने कुछ समय पहले मिन्नल मुरली नाम की मलयालम सुपर हीरो फिल्म डायरेक्ट की थी और जिस तरह से उसे बढ़ता गया था उसकी बड़ी तारीफ भी हुई थी। 2022 में सोनी पिक्चर्स इंडिया ने यह अनाउंसमेंट की थी, वो लोग शक्तिमान पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उसका एक टीजर भी रिलीज किया गया था। इसमें यह भी बताया गया कि सोनी इसे मुकेश खन्ना की कंपनी भीष्म इंटरनेशनल के साथ मिलकर बना रही है। तो आप भी हैं शक्तिमान से मिलने के लिए बेताब? कमेंट करके बताइए शक्तिमान से जुड़ी आपकी बचपन की यादें क्या रहीं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।